मिला आनंद, क्या खुशी का सच आया सामने। 1971 की आनंद मूवी आपने देखी है, उसने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, जिसमें आनंद बने राजेश खन्ना हमें बहुत कुछ बता गए। अब इस मूवी का सीक्वल आ रहा है एक फ्रेश कहानी के साथ, तो इसलिए हम भी आपके लिए एक कहानी लाए थे, जिसके पहले तीन पार्ट्स में हमने देखा कि पलक यानी अनन्या पांडे दिल्ली आई है। रास्ते में वो राइटर हर्षवर्धन वर्मा यानी अक्षय कुमार को देखती है, जिसकी कुछ दिनों बाद एक किताब पब्लिश होने वाली है। पलक अपने कमरे की सफाई कर रही होती है, तब उसे खुशी यानी कृति हरबंदा की डायरी मिलती है। खुशी अपनी डायरी में लिखती है कि रास्ते के नज़दीक बच्चों को सिखाते वक्त उसकी हर्ष नाम के लड़के से मुलाकात हुई। हर्ष स्ट्रगलिंग राइटर है, खुशी आनंद मूवी से इंस्पायर थी और अगर वो राइटर होती तो आनंद नाम की किताब लिखती। वो हर्ष को सहारा देती और हर्ष भी अपने दिमाग में उसकी हर बात को नोट करता है। हर्ष अपने जन्मदिन पर खुशी को प्रपोज करता है, पर खुशी उसे ठुकरा देती है क्योंकि उसे कैंसर है। हर्ष खुशी की तबीयत को लेकर परेशान रहता है, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाकर पूछताछ भी करता है, पर खुशी की डॉक्टर उससे कुछ नहीं बताती है। और ये सब पढ़ते वक्त पलक की आंखों में आंसू आते हैं। खुशी एक दिन बहुत सोच में होती है क्योंकि हर्ष ने उसे कहा कि वो खुशी की मदद ले रहा है, बस उसका नतीजा कुछ वक्त में उसे देखने को मिलेगा। दूसरी ओर हर्ष भी सोचता रहता है क्योंकि खुशी ने एक दिन उसे पूछा कि वो जब तक जिंदा है तब तक वो हर्ष की किताब पढ़ पाएगी ना। खुशी लिखती है, मेरी हालत बहुत ही कमज़ोर हो रही थी क्योंकि जिस दिन हर्ष का जन्मदिन था मेरी रूटीन चेकअप का टाइम था, पर मैंने वो मिस किया। हर्ष की खुशी के लिए वो धीरे धीरे अब मेरी हालत ख़राब हो रही थी, नाक से खून बह रहा था, बाल झड़ रहे थे और चक्कर भी आ रहे थे, पर मैं हर्ष को ये सब नहीं बता पाती। फिर वक्त बीतता गया, 6 महीने बाद हर्ष को खुशखबरी मिली कि उसके एक पब्लिशर से किताब पब्लिश करने का ऑफर मिला है। हर्ष ने मुझे बताया और वो मुंबई चला गया। मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, फिर डॉक्टर ने मुझे एडमिट कराया। मुझे समझ आ रहा था कि अब जिंदगी के आखिरी पल बचे हैं। फिर एक दिन अचानक हर्ष का फोन आया और उसने कहा, खुशी मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज ला रहा हूँ, तैयार रहना। पता नहीं कब मेरे डॉक्टर ने ना चाहते हुए हर्ष को मैं कहाँ हूँ ये बताया। मैं तभी डायरी लिख रही थी, फिर 2 दिन बाद मैंने कांच के उस पार हर्ष को देखा और मुझे खुशी हुई। मैंने डायरी वहीं रख दी। पलक पन्ने पलटती रही पर आगे कुछ लिखा हुआ नहीं होता। तभी उसे आवाज़ आती है और वो देखती है कि हर्षवर्धन वर्मा नीचे खड़ा है। हर्षवर्धन मकान मालिक से कुछ मांग रहा है। मकान मालिक पलक से मिलकर बॉक्स मांगता है जिसमें खुशी की चीज़ें थी। पलक पूछती है, ये वही हर्षवर्धन वर्मा है ना राइटो, यहाँ क्या कर रहा है? मकान मालिक कहता है कि यहाँ जो खुशी रहती थी ना उससे वो बेहद प्यार करता था। तब पलक को समझ आता है कि खुशी जिस हर्ष की बात कर रही थी वो हर्षवर्धन ही था। फिर अगले दिन पलक हर्षवर्धन के बुक इनॉग्रेशन सेरेमनी में जाती है। हर्षवर्धन की किताब का नाम होता है आनंद। पलक को समझ आता है कि खुशी आनंद मूवी से इंस्पायर थी और अगर वो किताब लिखती तो आनंद के नाम से लिखती। फिर हर्षवर्धन बताता है, ये मेरी और खुशी की कहानी है, इसमें खुशी के साथ बिताए हर पल और गम में भी खुशी का खुश रहने का तरीका मौजूद है। हर्षवर्धन खुशी के आखिरी पल याद करता है, वो बहुत खुश हुआ जब उसकी किसी और किताब की पहली कॉपी छपी थी और उस पर हर्षवर्धन का नाम था। ये कॉपी लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और खुशी को बेड पर देखकर उसका कैंसर का सच जानकर वो सब कुछ भूल गया। उसने खुशी को वो पहली कॉपी दिखाई, वो खुश हुई, हाथों में हाथ लेकर हर्ष उससे कुछ बताने वाला था पर ऊपर देखा तो खुशी ने साथ छोड़ दिया था। उसके जाने के बाद हर्ष का मन उठ गया, पर फिर उसे खुशी का चेहरा याद आता रहा और वो उसी जुनून के साथ खुशी के साथ बिताए हर पल को लिखता गया। प्रोग्राम के बाद पलक हर्षवर्धन को कहती है, हर्ष मुड़कर कहता है, खुशी। पलक कहती है, खुशी नहीं पर खुशी की डायरी है मेरे पास, तुम्हें देनी थी। मुझे खुशी के आखिरी पल जानने हैं तो मैं आनंद ज़रूर पढ़ूंगी। हर्षवर्धन डायरी को देखकर खुश होता है और चला जाता है। तो बस यही थी इनकी लव स्टोरी। आपको कैसी लगी इनकी लव स्टोरी हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।